हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब एक पार्टनर फर्म में एंटर होता है, एक नया पार्टनर फर्म में जब आता है, तो उस टाइम पर क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं वो हम लोग इन लेक्चर्स में कवर कर रहे हैं। जब एक पार्टनर एक नया पार्टनर फॉर्म में इंटर होता है तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं उन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स जो होती है वो किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें दी रहती है वो एक एक करके हम समझेंगे। तो हम पहले 5 लेक्चर्स ले रहे हैं जिसमें हम बेसिक चीज़ें बताएंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस लेकर उनके थ्रू उन बेसिक चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व करते हुए कैसे अकाउंटिंग एंट्रियाँ होती है वो हम उठाएंगे। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, मतलब जो एक पार्टनर फॉर्म में इंटर होता है उस टाइम पर जो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं उनके लिए किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है एग्जाम में वो हम देखेंगे, और उन प्रॉब्लम्स में बेसिकली क्या चीज़ें होती है पहले हम उनको उठा रहे हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में बेसिकली ये 5 चीज़ें चलती है। एक तो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो आज का हमारा पहला लेक्चर हम इसी पर ले रहे हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स क्या होता है, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज क्या होता है, और इनके मीनिंग, इनके अकाउंटिंग एंट्रियां, इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, ये सब चीज़ें आज हम समझ रहे हैं। जो एडमिशन की प्रॉब्लम्स होती है उनमें न्यू शेयरिंग रेशियो के बारे में भी कुछ चीज़ें होती है। तो न्यू शेयरिंग रेशियो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या यूज़ है, लेक्चर नंबर 2 उसी पर बेस्ड रहेगा। ऐसे ही एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें गुडविल से कनेक्टेड भी कुछ इंफॉर्मेशन दी रहती है कि गुडविल का वैल्यूएशन करना, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना, तो क्या गुडविल की इंफॉर्मेशन दी होती है, गुडविल का मतलब क्या होता है, कैसे वैल्यूएशन करते हैं, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं उसके, वो भी हम लेक्चर नंबर 3 में समझने वाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर कुछ एक्युमुलेट प्रॉफिट्स होते हैं, क्या होता है एक्युमुलेट प्रॉफिट का मतलब, वो रिजर्व्स होते हैं वो, उन सब का मतलब क्या होता है, क्या यूज़ है, क्या एंट्रियाँ करनी है, ये हम लेक्चर नंबर 4 के अंदर समझने वाले हैं। ऐसे ही अगर पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट किया है कि कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो कैपिटल एडजस्ट करने का मतलब, उसकी एंट्रियाँ, उसकी कैलकुलेशन, उसका वर्किंग नोट, ये सब हम वीडियो नंबर 5 यानी कि लेक्चर नंबर 5 के अंदर वो चीज़ें कवर करेंगे। तो आज सबसे पहले हम ले रहे हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो क्या होता है कि जब कोई पार्टनर आता है ना, तो उस टाइम असेट का रिवैल्यूएशन किया जाता है। रिवैल्यूएशन का मतलब असेट की जो बुक में वैल्यूज लिखी हुई है वो, और असेट की एक्चुअल वैल्यू क्या है वो देखी जाती है कि बुक में वैल्यू क्या चल रही है लेकिन एक्चुअली वैल्यू क्या है वो देखी जाती है, और वो देखकर बुक वैल्यू कर वो एक्चुअल वैल्यू पर लेके आया जाता है। यानी असेट की अगर वैल्यू बढ़ गई है तो बढ़ा दी जाती है, अगर कम हो गई है तो कम कर दी जाती है। इस अंग से बुक की वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू के इक्वल लेके आया जाता है। अब अगर किसी असेट का रिवैल्यूएशन करेंगे और रिवैल्यूएशन करके अगर असेट की वैल्यू बढ़ाएंगे बुक में, तो ये तो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, फर्म के लिए ये प्रॉफिट हो गया। अगर किसी असेट की वैल्यू हम कम कर रहे हैं बुक के अंदर, तो ये फर्म के लिए लॉस हो गया। तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इसको अकाउंट में जब लेके आते हैं तो उसके लिए एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसके लिए एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आ जाओ, ठीक है,